nako, malasuro nako. Ay, try some variety vlog, okay, in this vlog. But let's try. मराठी ब्लॉगिंग भाई एकदम अलग होगी, एकदम यूनिक होगी। एक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, तो अपने पास है आज एक्सपल्स, जिस पर राइड होगी। अपन जा रहे हैं वडस डैम। इसको वॉश कराया था कल, फिर से खराब हो गई है, बार बार खराब हो रही है। इधर का मौसम ही वैसा है तो क्या ही कर सकते हैं, बट इससे एकदम कंफर्टेबल मजा आ जाता है। इसीलिए मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई गाड़ी ला इधर। गाइज, मेरे इधर बहुत से ऐसे लोकेशन है जो कि मानसून में एकदम ज़बरदस्त दिखता है, उसमें से ये एक है अपना वडस डैम। और अपने इधर देखो, चेक करो बगीचे, इधर का मौसम एंटी है, एकदम धूप में इतनी धूप लगती है, बारिश में बहुत बारिश लगती है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। गाइज क्या बोलते हो, अपने गैराज में इसको ऐड करें? मुझे अच्छी लगी भाई, सच में ऑफ रोडर के लिए एक नंबर है। आज थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करेंगे। मैं इसको एकदम ओपनली नहीं भगा पा रहा हूँ क्योंकि अपने दोस्त की है। मैं नहीं चाहता कि भाई पे और लोन चल जाए। लोन बहुत हार्ड सीन चल रहा है बेचारे का, लोन ही लोन, लोन ही लोन। अभी उसने वेरना लिया, उसमें भी लोन। ये लोन का चक्कर ही बहुत बेकार होता है। माइलेज निकालना है, अब क्या चाहते हो, निकाला जाए या नहीं? और ये गड्ढे देखो इधर की साइड में, समझ ही नहीं आता कि भैया खड्डों में रोड या रोडों में खड्डे। ये अच्छी मेरे पीछे देखो, बच्चे लोग बैठे हैं, ये देखो आराम से चलता है, जबरदस्त रहा। इधर पूरा साइड, इधर भी पहाड़ी पहाड़ है, ये साइड में मजा आता है। और ऐसे बाइक हो तो और भी मजा आता है। R15 में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता मैं, इसमें एकदम कंफर्टेबली मैं राइड कर पा रहा हूँ और आपको दिखा भी पा रहा हूँ और आपको मजा भी आता है यार। ये जो अलग फील है यार ये ऑफ रोडिंग बाइक्स यूज करने की मानसून में। तरफ से जंगल, पेड़, नेचर, आए हाय, मजे ही मजे है भैया जी। ये जो पीछे का सीन है ना, ये एकदम मज़ेदार है कि दोनों साइड से ऐसे पहाड़ है जिसमें से पेड़ एकदम बाहर से आए और मज़ा आता है जैसे कि अपनी एंट्री हो रही है अंदर। इसको जाने के दो रोड है, एक है अपना इधर से जुन्नर होते हुए और ये एक है जो कि सावर गाँव से होते हुए जाता है। इधर बहुत से हॉल है जो कि शादी के लिए यूज़ होते हैं और मैं मराठी सॉन्ग सुन रहा हूँ बिकॉज फॉर आवर मराठी व्लॉग्स। ऐसे मराठी सॉन्ग्स में बह गया ना मैं, तो और भी अच्छे से मराठी व्लॉग कर पाऊंगा मैं। ये नज़ारे बोल रहा था मैं, उधर से देखने नहीं मिलते। और ये है माशिस घाट जिधर की हम गए थे भाई, फिर से जाऊंगा बट मराठी व्लॉग्स के साथ। मराठी व्लॉगिंग भाई एकदम अलग होगी, एकदम यूनिक होगी। आई होप वो आपको पसंद आए। पर आपने उस पर सपोर्ट दिखाया तो मराठी व्लॉग्स ही शुरू कर दूंगा फिर। मैं नहीं चाहूँगा कि भाई मेरे को इंटरनेशनल पे रिप्रेजेंट हूँ मैं। मैं चाहूँगा कि जो भी हो ऑडियंस एकदम प्यारी मिले और अच्छा हो। ज़्यादा मतलब बोलता है ना, छोटी फैमिली सुखी फैमिली, वैसा बनता हूँ मैं। तो अपने को सुख चाहिए, ज़्यादा ही भी लालच अच्छी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है, मराठी ब्लॉगिंग में महाराष्ट्र तक ही जाती है, महाराष्ट्र के बाद बहुत कम बंदों को पता है यार मराठी, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसा कोई भी कॉन्टेंट क्रिएटर हो, मैं हूँ या कोई और हो, वो क्या सोचेगा कि भाई नहीं अपन हिंदी ब्लॉग्स में ज़्यादा ध्यान देंगे कंपेयर टू मराठी, इसकी वजह से। और ये भाई जाने दे रहे मेरे को। हाँ सो भाई वैसे ही सोचता है बट मैं अलग सोचूंगा। अगर मराठी व्लॉग्स में आपने प्यार दिखाया तो मराठी व्लॉग्स चालू करूंगा और डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूंगा। देखता है जैसे होगा वैसे, आप पे डिपेंड है कि आप कितना प्यार दिखाते हो और कैसे सब कुछ हैंडल करते हो। सब कुछ अपने इस पर, और मेरे इसमें सिर्फ इतना ही है कि भाई कॉन्टेंट तगड़ा दूँ मैं। यही फायदा है भाई एक्सपल्स या तो कोई भी ऑफ रोडिंग बाइक को, झटके ही नहीं महसूस होता है। गाइस लेट्स ट्राई सम मराठी व्लॉग ओके इन दिस व्लॉग। सो हाउ आई विल स्टार्ट इट, सर सर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या एका नवीन, नाही नाही ऐसा नाही, फिर से टेक टू लेट्स गो। तर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे पुन्हा एका माझ्या नवीन व्लॉगमध्ये। तर आपण जाणार आहे कुठं जाणार आहे, हां सॉरी आपण जाणार आहे वडस डॅमला। तर आय होप तुम्ही सगळे एन्जॉय कराल। मैंने बोला था ना गाइस, ये रोड जो है ये जुन्नर से आता है, ये देखो ये जुन्नर वाला रोड है, इधर से जुन्नर स्टार्ट होता है,
एक ही है भाई, उल्टा ये दूर गिरता है, बट इधर नेचर नेचर की वजह से बंदा फंसता है हमेशा। नेचर प्रेम की भाई क्या बोलो अभी, मुझे नेचर में मज़ा आता है तो मैं इतना घूम के आया। देखो मैं 16 किलोमीटर का पैच कंप्लीट करने के समय मैंने 22-25 किलोमीटर का पैच कवर किया। ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं भाई, घूमो फिरो, इसी में ज़िंदगी चली जाएगी अपनी। संडे है, संडे को जुन्नर का बाजार होता है, भैंटी बाजार, भैंटी ले लो के बाद ले लो। ये बिल्डिंग ने पूरा व्यू ख़राब कर दिया यार, वरना बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था। 5 किलोमीटर तक कोई बिल्डिंग या तो घर बना ही ना पाए। बना सोने का भाई क्या गाने है भाई, मज़ा ही आ जाता है यार महाराष्ट्रियन सॉन्ग सुनने में। क्या सॉन्ग्स है। सो अगर आपको शिवनेरी फोर्ट पे जाना है तो आप इधर से होते हुए जा सकते हो। तो चलो अभी अपने को इधर जाना है और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करेंगे उधर, फिर देखते हैं आगे क्या आ गया भाई। मैं तो गाने सुन रहा हूँ। राइट में देखो एक पहाड़ है जिसपे कि पूरे बादल आ गए हैं। हाय हाय क्या ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। अभी अपन आगे आया है और ये देखो भाई, ये है वो डैम वाटर जो कि इधर पूरा साथ, मतलब क्या बोलते हैं, सचाया जाता है। सचाया क्या, व्हाट इज दिस, सचाया जाता है, साचा जाता है, साचा जाता है भी क्या, स्टोर किया जाता है बेसाला। यही दिक्कत है, हिंदी मराठी व्लॉग्स कहाँ से बनाऊँ मैं, वो समझ नहीं आता है कि कौन सा वर्ड किधर है। अभी देखो मराठी में ऐसे क्या बोलते हैं, साठले गला है, मुझे साठोता, इन हिंदी सचाते हैं, वही कुछ तो शब्द है, मेरे को भी अभी समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे ना ही प्रॉपरली मराठी आती है ना ही प्रॉपरली हिंदी, सो यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, यू नो आई इवन डोंट नो अंग्रेजी, बट आई स्पीक लिटिल विथ लिटिल विथ। ये जो हरियाली देख रहे हो ये ज़्यादा दिन रहती नहीं है, जब तक बारिश है तब तक ये है, उसके बाद पूरा इधर सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने के बाद यू नो भाई कि क्या हाल होता होगा, इधर खेती बाड़ी करना मुश्किल होता होगा। बेच कोई ना भाई, इधर का जो है स्टोर किया हुआ पानी होता है वो काम आता है। अरे ऑफ रोडिंग भैया जी, जरा जरा प्यार से यार। ऑफ रोडर बाइक की मजे ही चल रहे हैं आज तो। देखते हैं इधर से जाएगी क्या, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है कि जाएगी, बट लेट्स ट्राई। गाइस कुछ ज़्यादा ही कह रहा है रे, पूरी बाइक चली जाएगी इसमें। चलो मारते हैं यू टर्न, इधर से चट्टान चढ़ते हुए जाना पड़ेगा घूम के पूरा। चलो कोई ना, ओए 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 भाई साहब जी, ढिंचक पूजा, ढिंचक पूजा का याद आ गया। देखो आरुण फाई इधर नहीं चल पाती गाइस, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ ना ऐसे आरुण फाई नहीं चल पाती है इधर, तो भी मैं चलाता हूँ उसको पता नहीं क्यों। ओए ओए इतना भी एक्सट्रीम नहीं चलाता, बट पेड़ में गुदगुदी होती है ना बाबा जब ऊपर नीचे होता है तब। निकल जा भाई निकल जा इधर से जल्द से जल्द, यप निकल जाएगी। चलो आ गए भाई आज ही अपन उड़ते नाचते हुए।
भैया जन्नत देखो ये चेकआउट करो, कितना जबरदस्त व्यू निकल के आ रहा है अपने पास। तो ऐसे ही ताबू मतलब ये टापू टाइप होता है ना, ऐसे बनाया है, ये पूरा टूरिंग प्लेस बन चुकी है। और ये रहा इधर का डैम जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, बट सामने का व्यू देखो गाइज, इधर सामने भी एक गिरौली करके एक पहाड़ है, ऊपर जाएंगे उधर से भी बहुत तगड़ा व्यू होता है, बट वो नेक्स्ट व्लॉग में जाएंगे। आई होप यार तब तक मैं मराठी व्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट कर दूँ। कोई ना, देखो इधर एकदम प्रॉपरली सब कुछ शांत है भाई। अगर आप डिमोटिवेट वगैरह होता है, टेंशन होता है, इधर आके बैठ सकते हो। लव बर्ड्स हो तो भी आके बैठ सकते हो। ये जो पिलर्स वगैरह ये अभी अभी बने हैं आई थिंक सो। इधर से क्या बनेगा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है यार, कन्फ्यूज हूँ मैं। ऐसे क्यों लगाया है बीच में, कुछ भी बन सकता है भाई, कुछ बोलते नहीं आ रहा ना। उधर दो है और इधर दो है, बाकी किधर दिख तो नहीं रही है। अगर ऐसा ही होता है तो अपने को समझ आता है कि भाई कुछ ना कुछ बन रहा है, बट इधर से कोई समझ नहीं आ रहा है। और वो सामने का पहाड़ चेक करो जो कि पूरा बादल में चले गए हैं। बाइक देखो किधर पे लाई है, इधर ऊपर। बस क्या बोलते हो, पंकज के साथ एक प्रैंक करे, गाड़ी फेंक दे अंदर, फिर बोल देगा भाई आई डोंट नो कौन सी बाइक भाई, हमको नहीं पता भाई। यहाँ पर 2 मिनट में बारिश होती है, 2 मिनट में धूप होती है। तो अभी अपन घर पे निकलते हैं। तो भैया चलो अभी अपना निकलने का टाइम है, अभी घर पे निकलते हैं। और घर पे जाके क्या एडिट वगैरह करूँगा भाई, सब कुछ होता है। अब से सोच रहा हूँ डेली व्लॉगिंग पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में ज़्यादा कॉन्टेंट भी मिल पाएगा और थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे मतलब सब कुछ होता है मेरी लाइफ में, कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ एकदम A to Z। ऐसा मैं कुछ छुपा के रखता नहीं हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। मैं ऐसे सोच रहा हूँ भाई इसमें इतना पावर है तो एक लाइक हाई CC में कितना होगा, हिमालयन 450 वगैरह उसमें तो और भी पावर होगा। और ये कुत्ता क्यों ऐसे दिख रहा है मेरे पे एम लगा के, मैं भौंक मत। हाँ मैं बहुत मस्त है, इसमें सिर्फ वॉबलिंग का इशू है, वरना कुछ इतना ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हीटिंग इशू वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम प्रॉपर है सब कुछ। तो अभी अपन पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया सावरगांव का। इसमें लेनिंग भी मस्त है, एकदम प्रॉपरली हो रही है। आई नो कि इसमें लेंस वगैरह हार्ड होता है, बट भाई अभी सोचना जो बंदा लेंस के लिए जाना जाता है उसके लिए कोई भी बाइक को मारना तो मारना ही है। ब्रेकिंग तगड़ी है। देखो ये देखो घोड़ा बन जाता है मजा आता है। चलो सावरगांव आया, अभी जैसे ही सावरगांव को क्रॉस करेंगे फिर ऐसे छोटे मोटे गांव लगेंगे बीच में। आज में मुझे हमारे इधर के गांव के नाम ही नहीं पता सच बोलूँ तो। इधर आओ तो जैसे सावरगांव जुन्नर, उधर जाओ तो आड़े फाटा, फिर उसके और क्रॉस जाओ तो उधर ये क्या बोलते हैं मंचर वगैरह वो साइड, ऐसे पता है। बाकी इतना कुछ पता नहीं है, बीच में आज में बहुत से गाँव पड़ता है उनका कुछ आइडिया ही नहीं है, इसकी वजह से कन्फ्यूज होता हूँ कभी कभार मैं कि कौन सा गाँव किधर है। ये साइड के रोड्स बहुत ज़्यादा खराब है। अरे ये फिर से मिले, बाय बाय ब्रो, इन्हें लिफ्ट दिया था यही फिर से मिल गए कोई ना किस्मत मिला देती है। सर सबर करो भाई, एक ही चीज़ बोलूँगा, सबर सबर सबर, मेहनत जारी रखो और सबर करो और ऊपर वाला आपको सब कुछ देगा। मुझे अब तक नहीं दिया, वो अलग बात है। हंस के खेल के रहना चाहिए ज़िंदगी में, यह दुख दर्द क्या बोलूँ यार, क्या मिचमिच हो गई मेरी ज़िंदगी में। इतना ही फ़न है पता है आपको, जो मैं राइड कर रहा हूँ ना उतना ही फ़न कर पाता हूँ मैं, वरना बाकी 24/7 में ऐसे उदास बैठा रहता हूँ एकदम थोबड़ा सुखा के। खुद को भी प्रॉब्लम बोल रहे थे भाई, एकदम रोड प्रॉपर बनाओ भाई, अब समझ रहा है उनको, जब खुद पे बीतते ना तभी पता चलता है कि रोड क्यों इंपॉर्टेंट है। छोड़ो भाई अपने को क्या, अभी अपना नारंग गाँव आ चुका है पास में ही। और ये काले बादल देखो रे पापा कितने, बहुत खतरनाक बारिश होगी रे, नेक्स्ट ब्लॉक बन पाएगा कि नहीं क्या पता। जी लो आ गए अपने घर, और इधर बहुत तेज बारिश होने लगी थी तो मैंने GoPro ही नहीं स्टार्ट किया। चलो इधर लगा देते अपनी गाड़ी, ये रही अपनी R15 M। बाय बाय।